हेलो बच्चों, आज हम क्लास टू के लिए लेसन वन कविता सवेरा पढ़ेंगे। यह कविता दीपा दास ने लिखी है। बच्चों, आप कभी सुबह जल्दी उठे हैं? अगर उठे हो तो आपको पता होगा कि सुबह का सुंदर नज़ारा कैसा होता है। सवेरे सूरज के उगने पर आकाश का रंग सुनहरा होता है और आकाश में लाली छा जाती है। पेड़ों पर चिड़ियाँ चहचहाने लगती है, धीमी धीमी हवा बहती है, फूल और कलियाँ खिल जाती हैं। इस कविता में सुबह के सुंदर समय का वर्णन किया गया है। सुबह के समय की जो सुंदरता होती है वो बहुत ही मोहक होती है। आइए अब हम कविता पढ़ते हैं। सुंदर वन में हुआ सवेरा, चिड़ियाँ चू चू गाने लगी, कोयल के मीठे सुर सुनकर कलियाँ भी मुस्काने लगी। जब सुंदर वन में सवेरा हुआ तो पेड़ों पर चिड़िया चहचहाने लगी और चू चू कर गाने लगी। कोयल भी मीठे सुर में राग में गाने लगी और यह देखकर कलियाँ भी खिलकर मुस्कुराने लगी। सूरज की सोनी सी किरणें धरती को चमकाने लगी, पशु पक्षी सब हिल मिलकर गीत या गाने लगे। सूरज की जब सुनहरी किरणें धरती पर पड़ी तो धरती सोने की तरह चमकने लगी। सभी पशु पक्षी मिलकर गीत गाने लगते हैं। हुआ सवेरा, उठो बालको, इस सुंदर पल में खो जाओ। आज़ाद पक्षियों की तरह तुम भी जरा चहचहाओ। उठो बच्चों, सवेरा हो गया है। यह जो सुंदर पल है उसे देखो और इस सुंदर पल में खो जाओ। आज़ाद पक्षियों की तरह तुम भी ज़रा चहचहाओ। आकाश में जो पक्षी उड़ रहे हैं उसी तरह तुम उठकर सवेरे का आनंद लो। फूलों की तरह मुस्काओ, जीवन है अनमोल। उठो चलो तुम भी अब कुछ कर दिखलाओ। यह जीवन बहुत अनमोल है, तुम इन फूलों की तरह खिल जाओ। बच्चों, तुम सुबह उठकर समय पर काम करके आगे बढ़ो और कुछ कर दिखलाओ। यहाँ शब्दार्थ दिए गए हैं, वर्ड मीनिंग। ये है सुर। सुर का वर्ड मीनिंग है सुर, राग, इसे इंग्लिश में टोन। पल, क्षण, समय की छोटी इकाई, मोमेंट। जीवन, जिंदगी, लाइफ। अनमोल, जिसकी अधिक कीमत हो, प्रीसियस। आज का आपका होमवर्क है, इस कविता को अपने हिंदी की फेयर कॉपी में लिखना है और इसे याद करना है।